हाय गाइज, नमस्कार। मेरे चैनल एसटीडी साइन पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ड्रेनेज ड्रेनेज क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज एंड नेटवर्क ऑफ सच चैनल कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स सच एज स्लोप ऑफ लैंड, अमाउंट ऑफ बल ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर। कहने का मतलब ये है कि द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ डिफाइंड चैनल, एक चैनल बना हो जिससे वाटर फ्लो कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक नाली है, ये एक नाली है और इससे क्या है, इसमें से पानी होके जा रहा है तो ये हो गया चैनल, और इससे जो फ्लो होके जा रहा है तो इसको इसको हम बोलेंगे ड्रेनेज। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम में क्या है कि कई पैटर्न से ड्रेन होता है। तो पहला क्या है, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। ये गंगेटिक रिवर, जो अपनी गंगा हो गई, ये जो हिमालयन रिवर है ना, ये इसी पैटर्न में अपना फ्लो करती हैं, तो इसको बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। जैसे डेंड्रिटिक पैटर्न ऐसा होगा, देखिए एक मिनट आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू देते चलता हूँ। ये हो गया दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो ये डेंड्रेटिक पैटर्न मतलब इसका। दूसरा पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम, ये पेनिनसुलर रिवर में पाया जाता है। पेनिनसुलर रिवर जो अपना ये प्लेट्यू के बाद से जो ओरिजिनेट होती है ना नदियाँ, उनमें ऐसा ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है, इसे पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तीसरा है टेरिल्स, टेरिल्स ड्रेनेज सिस्टम, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र में ऐसा पाया जाता है टेरिल्स। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न, स्ट्रीम फाउंड इन द विंध्यास रेंज, चंबल और केन बेतवा में रेक्टेंगुलर पाया जाता है। रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि जहाँ पे ना लैंड बहुत हार्ड होता है, रॉक होते हैं जिसमें, जैसे नदी ऐसे जा रहा है, अचानक ऐसे मुड़ जाती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 ये है रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो लैंड फॉर्म है बहुत हार्ड होता है, स्टोन ये सब पत्थर उत्थर होते हैं, तो यहाँ पे ये पाया जाता है लैंड फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक रेंज लाइक बालकैनो सोन। इसमें क्या है ना, ये जो है ना रेडियल ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें क्या एक टिप होता है, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम में रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द सेंट्रल पीक टू डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए, बता रहा हूँ आपको, ये हो गया ना, ऐसा लैंड फॉर्म होगा, तो इधर इधर से कहीं निकलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये मतलब इस एरिया से निकल के इधर जाती है, इधर जाती है, तो इसको बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज। जो क्या तो एक पीक से निकलती हैं नदियाँ, तो ये अपना अमरकंटक रेंज जो है ना, ये सब उधर के उदाहरण में ले सकते हैं सोन नदी को। उसके बाद सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपेटल ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीम्स फ्लो टुवार्ड द सेंट्रल डिप्रेशन। इसमें क्या होता है, ये ऐसे है, तो नदी इधर से फ्लो करके इधर, नदी इधर से फ्लो करके इस साइड, तो ये क्या सेंट्रल सेंट्रिपिटल बोलते हैं, मतलब आउटफ्लो से आके इस सेंटर में आके कहीं ये क्या होता है, ड्रेन होती है, तो इसका ड्रेनेज सिस्टम को क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल। तो
अपने यहाँ कितने ड्रेनेज सिस्टम हो गए, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, टेरिल्स ड्रेनेज पैटर्न, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न और सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पहला क्या है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। रिवर्स ऑफ दिस फ्लो विथ मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड रेन बोथ, मतलब यहाँ की नदियां, कहने का मतलब यह है कि कैसे फ्लो होती हैं, तो स्नो जो मेल्ट होता है और रेन दोनों को लेके चलती हैं। तो ये नदियां क्या, तो पेरेनियल होती हैं, जो कंटिन्यूअस होती हैं, पूरे साल क्या करती रहती हैं, इसमें फ्लो रहता है, पानी रहता है हिमालयन रेंज की नदियों में। और ये भी से वैली बनाती हैं, भी से वैली बनाती हैं। वाइल इंटरिंग द प्लेन दे फॉर्म द डिपोजिशन एंड फॉर्म फ्लैट वैली, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन, डेल्टा नियर द रिवर माउथ, और डेल्टा बनाती हैं। ये जब प्लेन में इंटर करती हैं तो ना डिपोजिशन करती हैं, एक प्लेन बनाती हैं ना, जो ऊपर से कटाव करके वो मिट्टी पत्थर ये सब लेके आती हैं ना, वो प्लेन में डिपोजिट करते हुए आगे बढ़ते हुए जाती हैं, तो एक प्लेन बनता है। ऑक्सबो, ऑक्सबो क्या होता है, जैसे एक नदी देखिए, आपको ऑक्सबो समझा रहा था मैं, जैसे ऑक्सबो ऐसे नदी चल रही है, तो नदी ऐसे ही मूव करती है। तो नेक्स्ट ईयर मान लो ज्यादा बारिश हो गया, तो ये नदी यहां से ऐसे जाके यहीं से ऐसे निकल जाएगी। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहां से कट जाएगा, तो ये जो बच जाता है इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। दिस इज अ इंडस सिस्टम है, यहाँ मानसरोवर लेक के पास से निकलती है ऐसी सिंधु नदी, इंडस नदी, इंडिया में लद्दाख रीजन में प्रवेश करती है, जो ले ओनली लेह डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया का ना, वहीं पे क्या करती है ये फ्लो करती है। उसके बाद गिलगित, गिलगित बाल्टिस्तान में जाती है, उसके बाद वहां से पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। तो इंडस के अपना ट्रिब्यूटरी हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। तो झेलम क्या है, ये कश्मीर से निकल के सीधा आती है और चेनाब में मिल जाती है। चेनाब जो है दोनों फ्लो को लेके रावी में मिल जाती है, ठीक है। ब्यास है वो सतलज में मिलती है, और सतलज और रावी दोनों कनेक्ट होके सीधा जाके इंडस में मिल जाते हैं। मिथानकोट जो एक जगह है पाकिस्तान में, मिथानकोट, वहां पे तीनों इंडस में, ये सारी नदियां इंडस में मिल जाती हैं। तो ब्यास और सतलज पहले ही मिल जाती हैं, और दोनों जाके फिर रावी और सतलज एक साथ मिलके फिर इंडस में मिल जाती हैं, कहाँ, मिथानकोट पाकिस्तान में। नेक्स्ट गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा रिवर सिस्टम क्या है, तो इंडस हम लोग पढ़ लिए, राइज इन द गंगोत्री, राइजेज इन द गंगोत्री, इसका गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख इन उत्तराखंड, वेयर इट्स नोन एज द भागीरथी। ये गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री के पास से गोमुख ग्लेशियर से उत्तराखंड में, और वहां पे इसका नाम है भागीरथी। एट देवप्रयाग भागीरथी मीट्स अलकनंदा, देवप्रयाग एक जगह है उत्तराखंड में, जहां पे भागीरथी नदी अलकनंदा से मीट करती है। हियर आफ्टर उसके बाद इट्स नोन एज द गंगा, उसके बाद इसको गंगा बोलते हैं। एट हरिद्वार गंगा इंटर इन प्लेन, हरिद्वार में गंगा प्लेन में इंटर करती है। फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ यूके, यूपी, बिहार एंड बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से फ्लो करके ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में सागर आइलैंड के पास मिल जाती है। सोन इज द मोस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसकी सबसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सोन जो सबसे बड़ी नदी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा है।
यमुना इज द वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी, गंगा का सबसे पश्चिमी छोर पे जो ट्रिब्यूटरी इसमें मिलती है वो सबसे कौन सी है? यमुना। बे ऑफ बंगाल नियर सागर, ये कहाँ बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है जाके? सागर आइलैंड के पास। ओके चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ आपको दिखाता हूँ गंगा का कहाँ से होता है, सोर्स ऑफ गंगेस। यहाँ पे ना गंगोत्री गोमुख है, यहाँ से निकलती है गंगा। ऐसे देखिए ऐसे फ्लो करते हुए यहाँ कानपुर, कानपुर के बाद ऐसे ऐसे आती है ये यहाँ बनारस के पास गोमती, इसमें मिलती है। इधर कहीं इलाहाबाद है, दिस वन इज ये पटना के पास मिलती है सोन, सोन। इसके बाद ये ऐसे करके गंगेश बंगाल में जाती है, बंगाल से आगे देखिए माउथ ऑफ द गंगेश ये है। और मैं 1 मिनट आप लोगों को समझाता हूँ। स्टार्ट फ्रॉम हियर गंगा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इधर पटना, बंगाल में इंटर करती है। और ये देखिए यहाँ पे डेंड्राइट ये सब बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, अब इसका ट्रिब्यूटरी हम देख लिख देते हैं। गंगा का ट्रिब्यूटरी देखिए, ये शारदा नदी है जो घाघरा में मिलती है, ये गोमती नदी है जो बनारस के पास गंगा में मिलती है, शारदा घाघरा ये सब राप्ती में मिलती हैं, राप्ती जाके राप्ती राप्ती में गंडक मिलती है, और ये सब राप्ती गंगा मिल जाती है, गंगा के आगे गंडक मिलती है, उसके बाद सप्तकोसी मिलती है गंगा में। ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में देखिए तो यमुना है, इलाहाबाद के पास मिलती है। यमुना 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 में कौन सी है? बनास, काली सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, धसान, केन, ये सब यमुना मिल जाती हैं। और ये सब को लेके इलाहाबाद के पास गंगा मिल जाती है। उसके बाद सोन, सोन की एक ट्रिब्यूटरी रिहंद भी है। ठीक है, ये देखिए दामोदर, जो इसको भी एक बंगाल का शोक कहा जाता है, ये अलग से आके बंगाल खाड़ी मिल रही है ना, इधर गंगा मिल रही है। ठीक है, तो ये है इनकी ट्रिब्यूटरीज, और ये है गंगा रिवर सिस्टम। दिस एरिया इज पाकिस्तान, दिस चाइना, टिबेट, भूटान है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम चेमा युंगदुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक। ये चेमा युंगदुंग ग्लेशियर है जो मानसरोवर लेक के पास से ब्रह्मपुत्रा वहाँ से निकलती है। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, फुट ऑफ हिमालयन में नोन एज ए दिहांग या सियांग। इट इंटर इन द इंडिया नियर सादिया टाउन, अरुणाचल प्रदेश में सादिया टाउन है, वहाँ से ये क्या करती है, इंडिया में इंटर करती है। ट्रिब्यूटरी राइट बैंक आर सुबनसरी, राइट बैंक के इसके ट्रिब्यूटरी हैं सुबनसरी, कमेंग, मानस एंड संखोस। इन बांग्लादेश इट मर्ज विद द रिवर पद्मा। ये देखिए देखिए सांगपो इसका नाम है ना, यहां से नामचा बारवा, इस रीजन को नामचा बारवा कहते हैं। यहां से इसका नाम सियांग है। ठीक है, पासी घाट आता है, पासी घाट के बाद इधर डिब्रूगढ़, ये ब्रह्मपुत्रा है देखिए इसे फ्लो कर रही है। ये तेजपुर है, असम में है। ठीक है, इसे गुवाहाटी है, सब इसके क्या हैं, इसी के बैंक पे बसे हुए सिटी हैं। हिनामचा बारवा इसको सियांग बोलते हैं, यहाँ पे पासी घाट है ये। ये दिबांग इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। लोहित इसकी ट्रिब्यूटरी है, रंगानंदी ट्रिब्यूटरी है, जिया भारेली इसकी ट्रिब्यूटरी है, तेजपुर के पास मिलती है।
पोथीमारी इसकी ट्रिब्यूटरी है, मानस इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये है ब्रह्मपुत्रा। ओके नेक्स्ट, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम इज द ओल्ड देन हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो हिमालयन से ओल्ड है। मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लो वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की बहती हैं एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी। अदर मेजर ड्रेनेज सिस्टम इन पेनिनसुलर रीजन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नर्मदा फ्लो बिटवीन रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्यास नॉर्थ एंड सतपुरा रेंज साउथ। राइजेस फ्रॉम मैकाल रेंज नियर अमरकंटक। मैकाल रेंज से निकलती है अमरकंटक के पास, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को कवर करती है नर्मदा। नर्मदा पे सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। ये देखिए पेनिनसुलर रिवर है सब। दिस इज अ लूनी, दिस इज अ लूनी रिवर, ठीक है। ये राजस्थान में ही फ्लो करती है और वहीं पे सेवा समाप्त होता है उसका। अरावली रेंज से निकलती है लूनी। दिस इज द ये देखिए ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल रही है नर्मदा, ये से अरेबियन सी में जाके एस्चुरी बनाती है और सीधा जाके अरेबियन सी में मिलती है। ये दिस इज तापी, ये महानदी है, ठीक है। दिस इज गोदावरी, गोदावरी है ये महाराष्ट्र तेलंगाना से निकलते हुए पुडुचेरी के पास मिल जाती है, नाम के पास। भीमा नदी है जो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, ये कृष्णा है। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, लूनी, माही, साबरमती, भद्रा, बैतरणा, कालिंदी, शरावती, मांडवी। मांडवी जो गोवा में बहती है, शरावती भी गोवा के पास ही बहती है। ब्रह्म भारत, पूझा, पोन्नानी, पेरियार केरल में, पंबा केरल में, महानदी छत्तीसगढ़ के पास निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। और इसका 53% एरिया जो है ना वो एमपी और छत्तीसगढ़ में है, और 47% वो उड़ीसा में इसका है। गोदावरी है जो इसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, गोदावरी को, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, ये सब क्या है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में आते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी साइन, मायसेल्फ शशि सिंह। थैंक यू।